स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, यानी कि मानव के अंदर भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में, जिसमें हमने हमारे प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के परिणाम स्वरूप जायगॉट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है, और इसके बाद ये जायगॉट जो है क्लीवेज के द्वारा या इसके अंदर विदलन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक 16 कॉरक खंडों युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम नाम देते हैं मोरूला। और इसके बाद में इस मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, और इसके बाद में इसका गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के अंदर आकर के इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है, रोपण की क्रिया हो जाती है, और इस दौरान जो है वो इस एम्ब्रियो के अंदर तीनों जननिक स्तर यानी कि एक्टोड्रम, मेजोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण हो जाता है, और इस अवस्था को नाम दिया जाता है गैस्ट्रुला अवस्था, और इस क्रिया को नाम दिया जाता है गैस्ट्रुलेशन। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये तीनों जर्मिनल लेयर बनी है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और इन दोनों के बीच में मेजोड्रम, तो इन तीनों जननिक स्तरों से या जर्मिनल लेयर से आगे चल करके एम्ब्रियो या जो उत्पन्न होने वाला शिशु है, इसके कौन कौन से अंगों का या कौन कौन से भागों का निर्माण होता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फैट ऑफ जर्मिनल लेयर, यानी कि जो तीनों जननिक स्तर बने हैं, एक्टोड्रम, मेजोड्रम और एंडोड्रम, इनसे आगे चल करके भविष्य के अंदर शिशु के किन किन अंगों का निर्माण होगा, इनमें से कुछ मुख्य मुख्य जो है उनके बारे में हमने यहाँ पर एक टेबल के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया है, और इसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि एम्ब्रियो का जो पूरा डेवलपमेंट है यानी कि गर्भावधि के दौरान किस किस भाग का निर्माण किस किस समयावधि के अंदर होता है, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैट ऑफ जर्मिनल लेयर, यानी कि जो जर्मिनल लेयर के रूप में यानी कि जननिक स्तरों के रूप में जो एक्टोड्रम, मेजोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण हुआ है, इनसे आगे चल करके किन किन संरचनाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं एक्टोड्रम को, यानी कि जो बाह्य जननिक स्तर है उसके बारे में बात करते हैं कि जो एक्टोड्रम है इससे एक तो निर्माण होता है एपिडर्मिस का और दूसरा त्वचीय व्युत्पन्न का, यानी कि हमारी जो त्वचा होती है इसके ऊपर की तरफ तो होती है एपिडर्मिस और इसके नीचे की तरफ जो होती है वो होती है डर्मिस। तो इस त्वचा की जो एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाला जो भाग है, इसका निर्माण किससे होता है, एक्टोड्रम से होता है। और इसके साथ साथ इस त्वचा के जो डेरिवेटिव है, जो व्युत्पन्न है, जैसे कि हमारे रोम हैं या इसके अंदर पाई जाने वाली जो वेट ग्लैंड्स यानी कि श्वेत ग्रंथियां आदि जो हैं उनका निर्माण किससे होगा, एक्टोड्रम से होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट किया है कि एपिडर्मिस और त्वचीय व्युत्पन्न। त्वचीय व्युत्पन्न से तात्पर्य यहाँ पर जो हमारे बाल हैं या जो नाखून हैं इनसे है। इसके साथ साथ हम देखते हैं त्वचीय ग्रंथियाँ, कि जो त्वचा के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जैसे श्वेत ग्रंथियाँ आदि, उनका निर्माण भी किससे होगा, एक्टोड्रम से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो है, इसका निर्माण जो है वो किससे होता है, एक्टोड्रम से ही होता है। और तंत्रिका तंत्र के अंदर हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को। तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि हमारे तंत्रिका तंत्र का, जिसमें हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में शामिल करते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसका निर्माण भी किससे होता है, हमारे एक्टोड्रम से ही होता है। इसके अलावा चालक और ऑप्टिक नर्व जो है, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र की ही तंत्रिकाएं हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो एक्टोड्रम से होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो तंत्रिकाएं हैं जैसे कि चालक और ऑप्टिक नर्व जो है, इनका निर्माण भी किससे होगा, एक्टोड्रम से ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे नेत्र की, तो जो हमारे नेत्र का मुख्य भाग है वो भी किससे बनता है, एक्टोड्रम से ही बनता है। अगर मैं नेत्र की बात करूं तो नेत्र गोलक के अंदर प्रेजेंट रेटिना, जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं, और साथ में नेत्र का लेंस
और जो कॉर्निया वाला पार्ट है ये एक्टोड्रम से बनते हैं। लेकिन नेत्र गोलक के अंदर प्रेजेंट जो श्वेत पटल और रक्त पटल होता है, श्वेत और रक्त पटल, इनका निर्माण मीजोड्रम से होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेत्र का जो निर्माण है वो ज्यादातर भाग तो किससे बनता है, एक्टोड्रम से, लेकिन कुछ भाग जो है वो इसका मीजोड्रम से भी बनता है। जैसे कि हमने यहां पर बात की नेत्र का रेटिना, लेंस और कॉर्निया वाला जो पार्ट है वो किससे बना है, एक्टोड्रम से बना है, लेकिन श्वेत पटल और रक्त पटल जो है इसका निर्माण किससे हुआ है, मीजोड्रम से हुआ है। इसके अलावा नेत्र के अंदर उपस्थित जो सीलियरी और आइरिस जो मसल्स हैं, जो पेशियां हैं, वो भी किसका डेरिवेटिव है, एक्टोड्रम का ही डेरिवेटिव है, यानी कि एक्टोड्रम जो है इससे ही बनती हैं। इसी प्रकार से जो घ्राण उपकला जो है इसका निर्माण भी किससे होता है, एक्टोड्रम से होता है। घ्राण उपकला यानी कि विभिन्न प्रकार की गंध को ग्रहण करने से संबंधित जो एपिथीलियम है इसका डेवलपमेंट भी किससे होगा, एक्टोड्रम से होगा, घ्राण उपकला का। अगर हम बात करें हमारे कानों की, तो हमारे जो कर्ण होते हैं उसको तीन भागों के अंदर बांटा गया है, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण या आंतरिक कर्ण। तो जो हमारा आंतरिक कर्ण होता है इसका निर्माण भी किससे होता है, एक्टोड्रम से ही होता है। इसके अलावा हमारी मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली जो स्लाइवरी ग्लैंड है, यानी कि जो लार ग्रंथियां हैं, जो तीन जोड़ी पाई जाती हैं, इनका निर्माण भी किससे होगा, एक्टोड्रम से ही होगा। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल मेडुला और हाइपोथैलेमस जो है, इनका निर्माण भी किससे होगा, एक्टोड्रम से ही होगा। जनरली हम बात करते हैं कि हमारा जो नर्व सिस्टम है उसका निर्माण किससे होगा, एक्टोड्रम से। नर्व सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, सेंट्रल नर्व सिस्टम की या CNS की, जिसके अंदर हम शामिल करते हैं हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु भी किससे बनेंगे, हमारे एक्टोड्रम से ही बनेंगे। तो जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण एक्टोड्रम से होता है तो हम देखते हैं कि जो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के एक सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य करता है, जो कि जनरली पीयूष ग्रंथि जो है उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है, तो जो ये हाइपोथैलेमस है ये भी क्या है, हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग है। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है वो एक्टोड्रम से बना हुआ है, तो इसका मतलब मस्तिष्क का ही ये भाग है हाइपोथैलेमस, तो ये भी किसका बना हुआ होगा, एक्टोड्रम से ही बना हुआ होगा। और हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ जो है वो एक मटर के दाने की आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं, तो इसका निर्माण भी फिर किससे होगा, एक्टोड्रम से ही होगा। और इसी के साथ प्रेजेंट होती है पीनियल ग्रंथि, तो इसका मतलब पीनियल ग्रंथि भी किससे बनी, एक्टोड्रम से बनी। अब याद रखने वाली या ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि की, तो एड्रिनल ग्रंथि को दो भागों के अंदर बांटा जाता है, एक तो आता है इसका कॉर्टेक्स और दूसरा आता है मेडुला, ठीक है। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जो आउटर पार्ट होता है वो तो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। और इससे हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि एक्टोड्रम जो है वो बाहर वाला है, मीजोड्रम जो है वो एक्टोड्रम के अंदर की ओर मौजूद होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ये देख लेते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स वाला जो भाग है वो कौन सा होगा, बाहर वाला। तो इसका मतलब ये किससे बने, एक्टोड्रम से, और अंदर वाला जो भाग है वो क्या होगा, मेडुला। तो इसका मतलब मेडुला का निर्माण किससे हो जाना चाहिए, मीजोड्रम से। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे कि अगर हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि की, तो एड्रिनल ग्रंथि का जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो तो बनता है किससे, एक्टोड्रम से,
और एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, इसका निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लियर रूप से मेंशन किया है कि अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, पीनियल काय की या हाइपोथैलेमस की, तब तो हम डायरेक्ट कह देते हैं कि इसका निर्माण किससे होता है? एक्रोड्रम से होता है। लेकिन अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, और एड्रिनल ग्लैंड के रूप में अगर हम बात करें इसके मेडुला भाग की, तो एड्रिनल ग्रंथि का जो मेडुला भाग है वो तो बनता है एक्टोड्रम से, और एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग है वो बनता है किससे? मेसोडर्म से। तो इस बात के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि जो एड्रिनल ग्रंथि है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो इसका कॉर्टेक्स भाग और दूसरा इसका मेडुला भाग। यहाँ पर हमने देखना है कि जो इसका मेडुला भाग है वो तो बनता है एक्टोड्रम से, और जो इसका कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है वो बनता है मेसोडर्म से। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टीथ की, यानी कि हमारे दांतों की। तो जब हम हमारे दांतों की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे दांतों के ऊपर एक कठोर यानी कि मजबूत आवरण पाया जाता है, और जिसे हम नाम देते हैं इनेमल। तो हमारे दांतों का जो ये इनेमल है, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है, कठोर भाग है, तो इस इनेमल का जो निर्माण होता है वो भी किससे होता है? एक्टोड्रम से होता है। और अगर हम बात करें इस इनेमल के नीचे का भाग, जिसे हम दांतों की डेंटिन कहते हैं या डेंटाइन कहते हैं, इसका निर्माण जो है वो किससे होगा? मेसोडर्म से होगा। तो हमने देखा कि दांतों की जो इनेमल है वो किससे बनती है? एक्टोड्रम से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक्टोड्रम के द्वारा जो है वो एक तो एपिडर्मिस और त्वचीय व्युत्पन्न जैसे कि बाल आदि, त्वचीय ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र जैसे कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु, चालक और ऑप्टिक नर्व, नेत्र के जो विभिन्न भाग है जैसे कि रेटिना, लेंस और कॉर्निया, सीलियरी और आयरस पेशियां, घ्राण उपकला, आंतरिक करण, लार ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग, हाइपोथैलेमस और दांतों का इनेमल जो है, ये सारे किसके डेरिवेटिव है? ये है हमारे एक्टोड्रम के। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर डिस्कशन किया कि जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो तीनों जननिक स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, तो उनमें से जो एक्टोड्रम है, जो सबसे बाहर वाला जननिक स्तर है, उससे आगे चल करके गर्भस्थ शिशु की कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होगा, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं मेसोड्रम की, कि जो मध्य जननिक स्तर है इसके द्वारा आगे चल करके किन किन भागों का निर्माण किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं मेसोड्रम की, तो मैं कहूंगा कि हमारी जो त्वचा है इसके अंदर जो बाहर की ओर उपस्थित एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के नीचे का जो भाग जिसे हम डर्मिस कहते हैं, इसका निर्माण किससे होता है? मेसोड्रम से होता है। इसके अलावा हमारे जितनी भी मसल्स टिश्यू है, जो हमारी पेशीय उत्तक है, मांसपेशियां जो हैं, इनका निर्माण भी किससे होता है? मेसोड्रम से होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो संयोजी उत्तक है, ठीक है, इनका निर्माण भी किससे होता है? मेसोड्रम से होता है। अगर मैं बात करूं हमारे स्केल्टन की, तो स्केल्टन या कंकाल को दो भागों के अंदर बांटा जाता है, एक तो होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब जिसके अंदर स्केल वगैरह आते हैं, शल्क वगैरह आते हैं, जो बाहर की ओर मौजूद होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कॉकरोच वगैरह के अंदर, जिनके जो ऑर्थोपोड्स हैं उनके अंदर बाहर की ओर काइटीन के द्वारा निर्मित स्केल्टन पाया जाता है, तो वो तो आ गया किसके अंदर? बाह्य कंकाल के अंदर। और जो शरीर के अंदर होता है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर बना हुआ हमारा हड्डियों का जो ढांचा है, वो हमारा अंतः कंकाल है, तो इस अंतः कंकाल का निर्माण किससे होगा? मेसोड्रम से होता है। यहां पर एक बात और, कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारा जो कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक जो है, ये किसका डेरिवेटिव है? मेसोड्रम का। और जो हमारा एंडोस्केल्टन है, आंतरिक जो कंकाल है हमारा, जो हड्डियों आदि से बना हुआ है, तो हमारी जो हड्डियां हैं यानी कि बोन्स, और जो कार्टिलेज हैं यानी कि जो उपास्थियां हैं, वो वास्तविकता में क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू का ही भाग है, संयोजी उत्तक ही है। तो इसका मतलब हमारा अंतः कंकाल जो है वो वास्तविकता में क्या है? एक तरह का संयोजी उत्तक ही है। इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है? मेसोड्रम का डेरिवेटिव है, या मेसोड्रम का व्युत्पन्न है। इसके अलावा हमारा जो संवहनी तंत्र है, संवहनी तंत्र का मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थों को हमारे पूरे शरीर के अंदर वितरित करने वाला जो भाग है, जिसके अंदर हम काउंट करते हैं हमारे हार्ट को, रुधिर को, और साथ में रुधिर वेसल्स को।
तो ये भी किसका भाग है? हमारे मीजोड्रम का ही भाग है। और हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा रुधिर है वो वास्तविकता में क्या है, एक तरह का कनेक्टिंग टिश्यू है। और कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो किसका डेरिवेटिव है? मीजोड्रम का। तो इसका मतलब ये भी किसका डेरिवेटिव होगा? रुधिर भी मीजोड्रम का ही व्युत्पन्न होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी किडनी है वृक्क, ये भी किसका डेरिवेटिव है? मीजोड्रम का व्युत्पन्न है। अगर हम बात करें हमारे प्रजनन तंत्र का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने जो 28 नंबर का जो लेसन है उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो गोनेड्स हैं, जो जनन अंग हैं, वो भी किससे बनते हैं? मीजोड्रम से ही बनते हैं। मूत्र जनन नलिकाएं, जिनके द्वारा मूत्र आदि का उत्सर्जन किया जाता है, उस वो भी किसका डेरिवेटिव है? मीजोड्रम का है। इसके अलावा सिलोम और सिलोमिक एपिथीलियम जो है, ये भी किसका डेरिवेटिव है? मीजोड्रम का ही डेरिवेटिव है। और आपने अध्ययन भी किया होगा कि जननिक स्तरों के आधार पर हमने जीवों को कई भागों के अंदर बांटा था, जैसे कि द्विकौरिक हो गए, त्रिकौरिक हो गए। द्विकौरिक जो जीव थे उनके अंदर हमने देखा था केवल दो ही जननिक स्तर थे, एक एक्टोड्रम था और दूसरा एंडोड्रम था। और जो त्रिकौरिक जो जीव थे उनके अंदर तीन जननिक स्तर बन गए थे, और तीनों तीसरे जननिक स्तर के रूप में वहां पर एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में जो बना था वो तीसरा जननिक स्तर था, और वो था मीजोड्रम। और उसके बाद में हमने देखा था कि जब त्रिकौरिक जो जीव होते हैं जिनके अंदर तीनों जननिक स्तर प्रेजेंट होते हैं, उनको सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी कि सिलोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा था, प्रैगुह्य और अप्रैगुह्य प्राणियों के अंदर। तो वहां पर हमने देखा था कि जो सिलोम यानी कि जो प्रैगुहा बन रही थी वो कहां बन रही थी? मीजोड्रम के अंदर बन रही थी। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि सिलोम और सिलोमिक जो एपिथीलियम है वो किसका डेरिवेटिव है? मीजोड्रम का डेरिवेटिव है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डर्मिस, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक का ही जो भाग है हमारा आंतरिक कंकाल, हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनिकाएं जैसे कि धमनी और शिराएं वगैरह, वृक्क और प्रजनन तंत्र जिसके अंदर हमारे गोनेड्स आते हैं, और मूत्रजन नलिकाएं, और साथ में जो सिलोम और सिलोमिक एपिथीलियम है, ये सब किसका व्युत्पन्न है? मीजोड्रम का व्युत्पन्न है। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर मैं बात करूं नेत्र की, तो नेत्र का जो अधिकांश भाग है जिसके अंदर हम रेटिना, लेंस, कॉर्निया, सीलरी और आयरिस पेशियां आदि को अगर देखें तो वो तो किससे बने हैं? एक्टोड्रम से बने हैं। लेकिन नेत्र का जो श्वेत पटल और रक्त पटल है इनका निर्माण किससे हुआ है? इनका निर्माण हुआ है मीजोड्रम से। इसके बाद अगर हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एड्रिनल ग्रंथि जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो इसमें से जो इसका मेडुला वाला जो भाग है वो तो किससे बनता है? एक्टोड्रम से बनता है। लेकिन अगर हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की, तो इसका निर्माण किससे होता है? मीजोड्रम से होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड, ठीक है, पृष्ठ रज्जु जिसे कहते हैं, जो कॉर्डेट्स का सबसे महत्वपूर्ण करैक्टर है, तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो भी किसका व्युत्पन्न है? मीजोड्रम का व्युत्पन्न है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दांतों की, तो दांतों के ऊपर जो सबसे ऊपर की तरफ जो कठोर आवरण पाया जाता है जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत और कठोर भाग है, वो तो किसका व्युत्पन्न है? एक्टोड्रम का व्युत्पन्न है। लेकिन अगर बात की जाए दांतों की डेंटीन की या डेंटाइन की, तो ये डेंटीन जो है वो किसका व्युत्पन्न है? मीजोड्रम का व्युत्पन्न है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने एक्टोड्रम के कौन कौन से डेरिवेटिव है, या एक्टोड्रम से आगे चल करके किन किन संरचनाओं का निर्माण होता है, और मीजोड्रम से फिर आगे चल करके किन किन संरचनाओं का निर्माण होता है, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं जो तीसरा जननिक स्तर होता है जिसे हम नाम देते हैं एंडोड्रम। तो अब हम बात करते हैं कि इस एंडोड्रम से कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। अगर हम बात करें एंडोड्रम की, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है, इसका ज़्यादातर जो भाग है वो एंडोड्रम से ही बनता है, जिसके अंदर हम काउंट करते हैं कि जो हमारा आमाशय है उसके अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड्स, या जो आंत्रिय है, आंत्र जो है हमारी,
इसके अंदर पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं इनका निर्माण किससे होता है, एंडोड्रम से होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मोस्टली पार्ट है वो एंडोड्रम से ही बनता है, जिसके अंदर हमने शामिल किया आमाशय या आमाशयी तथा आंत्रीय ग्रंथियों को और साथ में हमारी जीभ को, जीवा को। इसी प्रकार से हमारी जो लंग्स यानी कि फेफड़े, ट्रेकिया, ब्रोंकाई यानी कि हमारे फेफड़े, श्वास नली या श्वसनिकाएं वगैरह जो हैं वो भी किसी किसका व्युत्पन्न है, एंडोड्रम का व्युत्पन्न है। इसी प्रकार से जो यूरिनरी ब्लैडर जो है, जो मूत्राशय है, वो भी किसका व्युत्पन्न है, एंडोड्रम का व्युत्पन्न है। आद्य जन सेल यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिनसे आगे चल करके हमने देखा था कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो ये जो जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर प्रेजेंट होती है, ये आद्य जनन कोशिकाएं या प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स हैं ये भी किसका व्युत्पन्न है, एंडोड्रम का व्युत्पन्न है, यानी कि एंडोड्रम से बनती है। इसके अलावा जो गिल्स हैं, जैसे कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनके अंदर तो मुख्य श्वसन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, फेफड़े, और जो जलीय प्राणी होते हैं जैसे कि मछलियाँ आदि उनके अंदर मुख्य श्वसन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, क्लॉम या गिल्स पाए जाते हैं। तो ये गिल्स जो है वो भी क्या है, एंडोड्रम से बनते हैं। इसी प्रकार से जो यकृत यानी कि जो लीवर है वो भी किससे बनेगा, एंडोड्रम से बनेगा। अग्नाशय जो है वो भी एंडोड्रम से ही बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करें, जैसे कि थायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो किससे बनती है, एंडोड्रम से बनती हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, तो मैंने अभी कहा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, या अगर हम बात करें ज़्यादातर श्वसन तंत्र का जो ज़्यादातर भाग है वो किसका बना हुआ होता है, एंडोड्रम का बना हुआ होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें थायरॉयड ग्रंथि, तो थायरॉयड ग्रंथि जो है वो हमारे यहाँ पर जो श्वास नली है इसके ऊपर पाई जाती है, तो इसका मतलब ये भी जो है वो किसका डेरिवेटिव है, एंडोड्रम का। थायरॉयड ग्रंथि के ऊपर ही पाई जाती है पैराथायरॉयड ग्रंथि, तो वो भी किसका डेरिवेटिव, एंडोड्रम का। और यहाँ पर वक्ष गुहा के अंदर प्रेजेंट होती है थाइमस ग्रंथि, तो ये थाइमस ग्रंथि भी किसका फिर डेरिवेटिव हो गई, हमारे एंडोड्रम का। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हमारे कानों की, ठीक है, कान को हमने तीन भागों में बांटा था, बाह्यकरण, मध्यकरण और आंतरिक करण। जो आंतरिक करण था वो तो किसका भाग था, एक्टोड्रम से बना हुआ था। और अगर मैं बात करूं मध्यकरण की, ठीक है, बीच वाला भाग, तो मध्यकरण जो है ये किसका डेरिवेटिव है, ये है एंडोड्रम का, यानी कि जो आंतरिक जननिक स्तर है उसका। और मध्यकरण से ही एक नलिका निकलती है। मध्यकरण जो है वो इस तरह से एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यूं इस तरह से, और इससे एक नलिका निकलती है जो करण पट है, यानी कि कान का जो पर्दा होता है उसके दोनों तरफ का जो वायु दाब है उसको संतुलित बनाए रखने का कार्य करती है, ताकि काफ़ी तेज जब आवाज़ होती है तो उसके कारण कान का पर्दा फटे नहीं, इसलिए इसके दोनों तरफ जो है वो वायु दाब को संतुलित बनाए रखने का कार्य करती है ये नलिका। यही कारण है कि जब अचानक से कोई तेज़ आवाज़ होती है तो हमारा मुख जो है वो अपने आप खुल जाता है। तो ये जो नलिका है ये कहलाती है यूस्टेकियन नलिका। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि मध्यकरण और यूस्टेकियन नलिका जो है वो भी किसका डेरिवेटिव है, एंडोड्रम, यानी कि आंतरिक जो जननिक स्तर है इसी से आगे चल करके विकसित होगी। मध्यांत्र हमारी आहार नाल का भाग, इसके अलावा वेजाइना और यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्रमार्ग है इसका आंतरिक स्तर जो होता है इसका निर्माण भी किससे होता है, एंडोड्रम से होता है। और इसके अलावा जब हमने नर जनन तंत्र का अध्ययन किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि सहायक जनन ग्रंथि के रूप में एक तो पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और साथ में जो है वो एक जोड़ी मौजूद होती है काउपरस या वल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो वहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इसका विकास भी किससे होता है, एंडोड्रम से होता है। तो इस प्रकार हमने अभी यहाँ पर एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम यानी कि जो तीनों जननिक स्तर हैं
इनसे आगे चल करके किन किन संरचनाओं का निर्माण होता है शिशु की, उनमें से कुछ प्रमुख प्रमुख जो संरचनाएं हैं उनके बारे में एक चार्ट के रूप में हमने यहाँ पर इनका कंपेरेटिव यानी कि तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किया है। अब चलते हैं आगे।